स्टडी से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो मेहनत की जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? आपको दिख रहा है बच्चों में इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है टीचरों की भी लग अच्छी है, अच्छी मेहनत चल रही है, काम भी अच्छा हो रहा है। अच्छा टीचरों की ओर से कंप्लेन भी नहीं, टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सभी अच्छे से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि पिछले 3 महीनों में स्टडी को लेके बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, और स्टडी के जो नए तरीके बच्चों को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, उसको लेके आपके क्या थॉट्स है? आप लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इसमें अभी जो फिलहाल जो मोबाइल को लेकर आप लोगों ने फीडबैक मांगा था वो मुझे काफ़ी सराहनीय है। आपने फीडबैक भी मेरे ख्याल से शायद सबसे लंबा है जो लिखा हो, मैंने लिखा हो कि बच्चे जो है पढ़ते बहुत अच्छे थे, कंटिन्यूटी में पढ़ भी रहे हैं, बाकी थोड़ा सा कहीं पर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, कम हो गई। इसका रीज़न रहा है कि मोबाइल मीडिया या जो भी चीज़ें अपन देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने फीडबैक मांगा। मैंने काफ़ी अच्छा लिख लिया था जिसके लिए मुझे बाद में लगा जरूर से ज़्यादा तो नहीं लिख दिया है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास है, अच्छा कर रहे हैं आपके यहाँ के टीचर, अच्छे लिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। सर मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले 3 महीनों में बच्चों में आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने मिली है स्टडी से रिलेटेड, यहाँ पर एडमिशन होने के बाद से? स्कूल का सिलेबस गति रहा है, लेकिन अब पंक्चुअलिटी भी आ गई है, अपना होमवर्क सेल्फ करने लगे हैं, होमवर्क के लिए पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और बाकी स्टडी को मोबाइल से रिलेटेड जो सर ने टाइम पे होमवर्क फिनिश करते हैं, और स्कूल से मैम आपको जो मतलब टीचर्स का जो मेहनत है स्टडी को लेके, उसके ऊपर आपका क्या सोचना है कि टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही है आपको बच्चों में? हाँ दिख रही है, स्पेशली छोटे बच्चों, छोटे बच्चों में। थैंक यू सो मच। सर मैम, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला ये कि स्टडी को लेके जो चेंजेस कर रहे हैं, जो नए तरीके यूज़ हो रहे हैं बच्चों को में इम्प्रूवमेंट लाने के, उसके ऊपर आपके क्या थॉट है? और जो मोबाइल छुड़वाने के, मोबाइल की जो लत है बच्चों में, उसको छुड़वाने के लिए जो सर ने, रघुवंशी सर ने एक मुहिम छेड़ी है ताकि बच्चों की लत कम हो जाए मोबाइल की, उसके ऊपर भी आपके क्या थॉट है प्लीज़ आप शेयर कीजिए। काफ़ी रास्ता गलत राह पर जाने की अच्छी बात है, उसको लेके किसी में कोई खतरा होता है स्टडी की इम्प्रूवमेंट को लेके? सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जी 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 ओके थैंक यू सो मच। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि स्टडी को लेके जो इम्प्रूवमेंट हुई है अभी, और जो नए बदलाव किए गए हैं रघुवंशी सर ने, जो नए चेंजेस लाए हैं, नई स्टडी करने के नए तरीके को जो यूज़ किया है, उससे बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आया है और आपके क्या थॉट है उस चीज़? बहुत ही अच्छा लगा, सर का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा है, और सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सभी का फीडबैक ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक और अच्छी बात यह लगी अपने को कि जो इन्होंने जो मोबाइल छुड़ाने के लिए जो आगे बढ़े हैं बच्चों के हाथ से मोबाइल हटाया गया, वो बहुत ही अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट भी दिखा होगा आपको उसके वजह से, बच्चों का, बच्चों की मोबाइल कम यूज़ कर रहे हैं। अरे मुझे जैसे बच्चों से, मेरे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी ऑल इन वन सभी बच्चों में ये चीज़ है, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं। जी जी, बिना मोबाइल के वो नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब वो चीज़ को लेकर बहुत अच्छा है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि पिछले 3 महीनों में आपको स्टडी को लेके क्या चेंजेस फील हुए हैं और क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहा है बच्चों का, प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी तक तो हमारा जो बच्चा है ना, पहले से अभी अच्छा कर पा रहा है, तो अच्छा कर पा रहा है, और पहले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर अभी सर ने जब से थोड़ा गेम चेंजेस किए हैं उससे थोड़ा ठीक पढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, राइटिंग में भी वर्क हो रहा है यहाँ पर। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि स्टडी को लेके अभी पिछले 3 महीनों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है,
और सर का जो मोबाइल को लेके जो मुहिम था रघुवंशी सर का कि बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन कम होना चाहिए, उसको लेके भी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। मोबाइल एडिक्शन के बारे में जो सर ने इंटरेस्ट लिया है, मैं तो उससे काफ़ी खुश हूँ कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जो जिससे सिर्फ अभी पेरेंट्स फाइट कर रहे थे, स्कूल ने उसको बैन किया और उसको शॉर्ट आउट करने में स्कूल यदि पेरेंट्स की मदद कर रहा है तो ये बड़ी खुशी का विषय है। जहाँ तक ये चेंजेस की बात है तो मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि चेंजेस जो भी हो गए लेकिन थोड़ा शॉर्टली मतलब जल्दी से हो जाए, ताकि क्योंकि हाफ ऑफ सेशन अभी लगभग कंप्लीट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखी है सर आपको इन 3 महीनों में? इम्प्रूवमेंट तो है, इम्प्रूवमेंट तो निश्चित तौर पे है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो भी पॉजिटिवली ले रहे हैं, हम भी एज ए पेरेंट सब पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं उसके, पर थोड़ा सा जल्दी हो जाए ताकि बच्चा नए टीचर्स के साथ नई फैकल्टी के साथ सेट हो जाए और उनसे उनका जो है केमिस्ट्री मैच हो जाए, ताकि वो रिजल्ट से या फाइनल एग्जाम से पहले पहले वो अच्छे से उनसे जितना लर्न कर सके कर ले, तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर होगा। जी, थैंक यू सो मच सर आपके व्यूज़। मैम मेरा आपसे एक सवाल था कि स्कूल में जो अभी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुई थी जिसका नाम था संकल्प टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड आपके क्या थॉट है, मतलब कैसा फील हुआ आपको कि आपके बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया? और जो अभी एग्जाम्स हुई बहुत अच्छा लगा, ऐसे होनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर छिपा हुआ टैलेंट बाहर आए और वो उसमें अगर सक्सेस होते तो और आगे करने के लिए उत्साह बढ़े और बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच। पड़ाव के अंदर जाना वो तुलसी पुराण हुआ नहीं तुलसी पुराण ही लेटर ऑफ कस्टडी पे लेके आना, उनका मैंने सबको दिया हमको भी। सर आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, पिछले 3 महीनों में स्टडी को लेके आपको क्या बदलाव देखने के मिले हैं अपने बच्चे में, और रघुवंशी सर की जो मोबाइल को लेके जो उनकी मुहिम है कि बच्चों का एडिक्शन है मोबाइल का वो कम हो, क्योंकि छूटता तो है नहीं बट कम हो और बच्चे मोबाइल के बजाय किताबों में ज़्यादा मन लगा, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? पिछले 3 महीनों से मैंने देखा है अपने बच्चे में काफ़ी सुधार है, पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि जो है वो बढ़ रही है और काफ़ी अनुशासित भी हो गया है, जो बात उसको लेना मान लेता है। और दूसरी बात की जो पूरी भी श्रेणी है मोबाइल की लत को दूर करने की वो भी सराहनीय प्रयास है और हम सब उनके साथ हैं, इस अनूठे प्रयास में हम
उनके साथ ही और स्कूल का एटमोसफियर जो है काफ़ी अच्छा लगा हमको और बच्चे में काफ़ी सुधार है। आई होप कि और भी ज़्यादा सुधार हो जैसे उम्मीद करते हैं, और सुधार है डेफिनेटली है, और भी भविष्य में चाहेंगे कि संस्था ऐसे ही नित नए आयाम स्थापित करते रहे। और जैसा अगर स्कूल में सरकार वंशी सरकार है महेश मोहन मेमोरियल की जो छाप है, हम भी चाहते हैं कि कुछ भी जैसे सस्ता हो जाए आगे चल कर अपना स्वर्णीय इतिहास लेके ऐसे निश्चित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि स्टडी के जो न्यू वेज यूज़ किए जा रहे हैं बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और जैसे कि आप जानते हैं हमारे रघुवंशी सर जो हैं डायरेक्टर सर, इन्होंने मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए बच्चों के लिए एक मुहिम छेड़ी है, उसके लिए आपका क्या सोचना है, क्या विचार है आपके इस बात पर? हाँ, ये सर का बहुत अच्छा प्रणाली ये शुरू किया, कम से कम शुरू तो किया, कोई नहीं हिम्मत तो की है कभी भी, लेकिन हाँ छुपाना इतना आसान नहीं है, वैसे ही तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लॉकडाउन ने जो अपने को गिफ्ट दिया मोबाइल, अपन भी नहीं छोड़ पा रहे और बच्चों से भी छुपाना बहुत मुश्किल है। कोशिश बहुत अच्छी है, शुरुआत बहुत अच्छी है, होगा। स्टडी को लेके इम्प्रूवमेंट मैम आपको दिख रहा है पिछले तीन महीनों में? रवि, हाँ स्टडी को लेके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हाँ बच्चे आप पहले मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आप छोड़ रहे हैं, आपको स्टडी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इम्प्रूवमेंट क्यों हो रहा है कि इंटरेस्ट आ रहा है, स्किल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि स्टडी को लेके जो चेंजेस आए हैं, न्यू नए तरीके आज यूज़ किए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसके लिए आपका क्या सोचना है, आपका क्या फीडबैक है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि कैसा चल रहा है? अभी जो नए तरीके आए हैं, जब हम लोग पढ़ते थे वो तरीके भी ये थे कि हाँ स्कूल जाने में बच्चा डरता था, ठीक है, लेकिन अब जो नए तरीके आए हैं वो इतने अच्छे हैं कि बच्चा अब स्कूल जाने में डरते हैं। और आज को देखा है और सेकेंड डे से उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मीन्स ये है कि उसको स्कूल जाना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में भी उसको काफ़ी अच्छा लगता है, लर्निंग पावर भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए जो भी है बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि स्टडी को लेके जो बदलाव किए गए हैं पिछले तीन महीनों में, इसकी वजह से आपको आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिखी है और क्या सुधार हुआ है, आप प्लीज़ बताएंगे मुझे? होमवर्क भी टाइम से कर रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं स्टडी पे घर पे। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके बच्चों में पहले में और अब में आपको क्या बदलाव दिखता है? पिछले तीन महीने में ये हमारी सेकंड पीटीएम है, तो आपने बच्चों में कुछ चेंजेस देखे होंगे स्टडी को लेके या स्टडी करने के तरीके को लेके, और हमारे डायरेक्टर सर ने जो मोबाइल की मुहिम छेड़ी थी कि मोबाइल बच्चे कम यूज़ करें और उसकी एडिक्शन उनकी कम हो जाए, इसको लेके आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। पहले जो पढ़ाई हमारे खराब स्थिति में चली गई और उसके परीक्षण में हमने ये भी निर्णय ले लिया था, एक्चुअली कोरोना कारण स्कूल चेंज नहीं कर पाए, और जैसे ही मुझे पता चला कि किसी अन्य संस्था ने हायर किया है इस स्कूल को, जब से हमने देखा है सारा जो मैनेजमेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चों के स्टडी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लगभग 25% टू 40% तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बच्चों का जो पढ़ने का होमवर्क में सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, ज़्यादा ग्रेड्स कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो मोबाइल की मुहिम है, ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई। थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि स्कूल में जो बच्चों के स्टडी के लिए या उनके बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए जो चेंजेस किए गए हैं, उसको लेके आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है सही है या नहीं? सर मैम, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपने क्वेश्चन पूछा है।
चेंजेस बहुत कुछ आया है पहले की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में। और स्पेशली ये चीज़ मैंने देखी कि एक एक पेरेंट्स को आप अपने उठा के सारा फीडबैक ले रहे हैं, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है बच्चे को, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स के पास मिलने के लिए आप भेज रहे हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहले नहीं होता था, जो अभी हुआ है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्कूल में स्टडी का जो लेवल है और जो तरीका है टीचर्स का पढ़ाने का, उसकी वजह से आपको आपके बच्चे में क्या बदलाव दिखे हैं और क्या अच्छा लगा है आपको स्कूल में अभी तक? इन 3 महीनों में क्या क्या हुआ है जो आपको बहुत अच्छा लगा है? यहाँ पर बच्चों में डिसिप्लिन में रहना सीखा, और पहले हमारी बात सुनते नहीं थे बच्चे, अब थोड़ा सुनने लगे। और मेरी बेटी है फर्स्ट में पढ़ती है, तो ये बिल्कुल लिखती नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा लिखने लगी है, और बहुत अच्छा लगा। टीचर्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मैं सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे भी ऐसे ही विशेष करें कि आगे ऐसे ही तरक्की करते रहे इसको। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे ये सवाल है कि नए संकल्प में, मतलब संकल्प में जो अभी नए बदलाव लाए गए हैं पढ़ाई को लेके, बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके को लेके, या बैग को लेके, किताबों को लेके, सर ने जो भी नए नए चेंजेस किए हैं हमारे डायरेक्टर सर ने, उसको लेके आपकी क्या सोच है और आपको अपने बच्चों में क्या बदलाव दिखा है उसके बाद? बच्चों में ये बदलाव है कि थोड़ा सा बोलना लिखना स्पीड और मोबाइल से भी, जो भी बच्चा मोबाइल देखता था तो सर ने ये भी सोचा था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चे मोबाइल एक खतरा है, बच्चों में ज़्यादा माइंड मोबाइल पे ही रहता, पढ़ाई पे नहीं रहता, इसलिए रेगुलर स्कूल और संकल्प का सर ने, ये जो डायरेक्टर सर है ना, उन्होंने ये बोला कि मोबाइल, बच्चों को मोबाइल से दूरी रखो जी, कि मोबाइल तो एक जगह है राइट है ना। तो आपको अच्छा लगा ये? बहुत अच्छा लगा सर, ये मैसेज किया था और अभी भी पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सही बात है कि मोबाइल से दूरी रखना चाहिए। उस कोरोना काल में बच्चे ने मोबाइल को देख देखे और ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाई को देख देखे, खुद की आदत खराब हो गई और पढ़ने भी लग गए बच्चे, बदलाव भी आए हैं, पढ़ने भी लग गए, होमवर्क पे भी ज़्यादा ध्यान दे और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। थैंक यू सो मच मैम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर करुणेश रघुवंशी सर ने जो मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए, बच्चों की मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, जो प्रयास उनके शुरू है, उसको लेके आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं उसको लेके? हमारे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, बच्चों की लत छुड़ जाए, जरूरी कुछ काम करते हैं बच्चे, बाकी कोशिश ये रहती है कि मोबाइल का यूज़ ना करें बच्चे, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका, मेरे सर को बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चलना सिखाए तुझे, दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे, जीतना है, कहना सिखाए।